क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। अरे बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी, युवाओं आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया दिया देना का मिला है? जोर से बोलो मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई, बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर, और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदू पत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था, आज लगभग तेंदू पत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का पता है। बघेल साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इतनी वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है, चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब आदमी योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए, कोरोना सेस लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे। माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ, इतने घोटाले करने वाली सरकार को फिर से चुनना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो चुनना चाहिए। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल गई, आदिवासी इलाकों में हजारों बच्चे इलाज के अभाव में मारे गए, 13,000 से ज्यादा नवजात शिशु मारे गए, संरक्षित पंडो जनजाति के सैकड़ों लोग कुपोषण का शिकार बने, और इसके साथ साथ 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। बघेल जी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। 5000 से ज्यादा बलात्कार इस छोटे से प्रदेश में हुए हैं, और मित्रों इस चावल का यश ले रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने लगभग 61 लाख टन चावल, मतलब 92 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का काम किया है, और 74,000 करोड़ रुपया 74,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। और ये कह रहे हैं मैं चावल खरीदता हूं। मित्रों मोदी जी ने 74,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है, कितना भेजा है जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो किसान। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना दिया? 12,600 करोड़ रुपया। मुझे बताओ भाई 74,000 करोड़ ज्यादा है या 12,000 करोड़ रुपया? तो किसने किसानों का चावल खरीदा? नरेंद्र मोदी सरकार ने खरीदा है। एक जोर बघेल जी बोलना बंद करें।
मानवीय राष्ट्र धाम नरेंद्र मोदी सरकार ने खड़ा है और ये पूरा जो सीट